हमारा आज का लेक्चर जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इस वीक हम जो है वो प्लेटिहेलमिन थीज पढ़ेंगे। तो ये कल मैंने हिसाब लगाया तकरीबन हमारे 6 तरह के ऑर्गेनिज्म रह गए हैं, 6, और हमारे 7 वीक हैं हमारे पास टोटल जो है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर वीक के अंदर जो है एक तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कवर कर लें। तो इसमें जो हमारा ये जो इस वीक है इसके अंदर हम जो है वो प्लेटिहेलमिन थीज जो है वो इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो प्लेटिहेलमिन थीज जो है वो है क्या? सबसे पहले आपको ऊपर डोमेन से शुरू कर दें, तो डोमेन से फिर यूकेरिया के अंदर आते हैं, फिर आगे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया से आगे थ्री हमने पढ़ी थी, थ्री जो सब किंगडम थी उनमें से एक मेटाजोआ थी, ये मेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। आगे जो है इन ऑर्गेनिज्म ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इससे पहले आप जो है वो पढ़ के आए नाइडेरियंस, ठीक है, वो क्या थे? जो डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी कि उनके अंदर थ्री बॉडी लेयर्स, टू बॉडी लेयर्स पाई जाती थी। ये आगे थोड़ी सी उससे आगे ये नाइडेरियन से और स्निटोफोर से थोड़ी सी एडवांस शक्ल है, एनिमल के अंदर थोड़ी सी एडवांस शक्ल है। ये क्या है? थ्री जो है ट्रिपल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, थ्री लेयर्स पे डिपेंडेंट इसका जो है वो कह लें कि जो जाइगोट होता है वो इसको होता है। और इसके अलावा ए सिलोमेट्स हैं, ये हमने तीन कैटेगरी पढ़ी थी कि ए सिलोमेट होते हैं जिनके अंदर वो सिलोम नहीं बनती, ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो नहीं बनती, बल्कि क्या होता है वो आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं। और दूसरे थे स्यूडो सेलिमेट और तीसरे थे सिलोमेट जिनके अंदर ट्रू सिलोम बनती है। तो इसके आगे ये फाइलम आते हैं, फाइलम प्लेटिहेलमिन थीज, या इनको हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं, कई सारे नामों से इसको याद किया जाते हैं। ए सिलोमेट, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एलो सिलोमेट है, सबसे पहले जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो है बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनिज्म की जो है इसको अगर एक प्लेन के थ्रू डिवाइड कर दिया जाए तो ये ऑर्गेनिज्म को एक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मगर जो हम इससे पहले हम बाई रेडियल सिमेट्री हम पढ़ रहे थे जो नाइडेरियन के अंदर, तो वहाँ आप चीज़ याद रखें कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की कोई डॉर्सल साइड, कोई वेंट्रल साइड, कोई इंटीरियर साइड, कोई पोस्टीरियर साइड, ऐसी कोई साइड के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं होता था। तो ये आगे उससे आगे थोड़ी एडवांस शक्ल है बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर, इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म क्या है वो उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है यहाँ पे कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर डोर्सल साइड भी पाई जाती है, ऊपर वाली जो साइड होती है उसको हम डोर्सल साइड कहते हैं, जो लोअर साइड होगी उसको वेंट्रल साइड कहते हैं, जो फ्रंट साइड होगी उसे इंटीरियर साइड, जो बैक साइड होगी पिछली जो है टेल साइड उसको हम जो है वो पोस्टीरियर साइड जो है वो कहेंगे। इसके अलावा सेफलाइजेशन, सेफलाइजेशन इसके अंदर जो है हेड फॉर्मेशन पाई जाती है। सेफलाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ हेड, कि इसके अंदर जो है वाहद ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो है वो हेड पाया जाता है। हेड इसके आप पीछे जितने ऑर्गेनिज्म हेड फॉर्मेशन होती है, जबकि आप पिछले जितने भी आप पढ़ के हैं फाइलम किसी के अंदर जो है आपको हेड फॉर्मेशन नजर नहीं आती, ना हेड बनता है ना कोई नर्वस सिस्टम मौजूद है। इसके अंदर क्या है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन एट द हेड, कि वो हेड है जो है वो कंसंट्रेट हुए पड़े, यानी कि वहां पे जो है न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये सिंपल कह लें कि एक नर्वस सिस्टम, सिंपल टाइप का एक नर्वस सिस्टम, वो कॉम्प्लेक्स का टाइप का नहीं, वो पाया जाता है, यानी कि सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। एंड लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन इम्प्रूव द रिकॉग्निशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबलाइज, कि वो उसकी ओरिएंटेशन को बेहतर बनाती हैं, कि जो चाहे वो पॉजिटिव स्टिमुलाई हो या नेगेटिव स्टिमुलाई, मीन कोई भी ऐसी चीज जो कि इंसेक्ट के अंदर कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, दैट्स कॉल्ड द स्टिमुलस, और उसका जमा होता है स्टिमुलाई जो है। इसके अलावा जो है प्रोटोस्टोम, इसके अंदर जो है स्पाइरल जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्लीवेज होती है, यानी कि ये प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं। ये हमने दो पढ़ी थी कैटेगरी, एक जो प्रोटोस्टोम्स और दूसरे ड्यूटेरोसोम जो है, तो ये प्रोटोस्टोम्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर स्पाइरल एम्ब्रियोनिक क्लीवेज होती है और डिटर्मिनेट होती है, यानी कि जो एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज के अंदर कि उसकी फेट का पता चल जाता है कि कौन सी चीज से क्या चीज बनेगी आगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर से बनता है, जो उस दिन हमने पढ़ा था ये, तो
प्रोटियोसोम्स और ड्यूटेरोसोम्स का फर्क नहीं, जो आप लास्ट लेक्चर आप निकाल लें उसमें आपको वो इसका एलम हो जाएगा। टेबुलोब्लास्टिक केस के अंदर हमने ये पहली बात करते हैं, थ्री लेयर्स होती हैं। ये देखेंगे कि ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, ये कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म, ठीक है। और ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है कि ये क्या है, एंडोडर्म, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो जगह है, इस सारी जगह को फिल किया हुआ है ये पैरेन्काइमल लेयर ने, ठीक है। और ये पैरेन्काइमल एक्चुअली क्या है, मीजोडर्म है, ठीक है। तो ये मीजोडर्म ये वाली पाई जाती है, तो ये इस ये वाली जो आपके अंदर कैपेबिलिटी नजर आ रही है, ये चीजें जो आपको नजर आ रही है, ये इसके अंदर इस तरह की ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए सेलोमेट जो है बॉडी फॉर्मेशन पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन के थ्री लेयर्स तो हैं, आउटर लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये मीजोडर्म, ठीक है। ये थ्री लेयर है, मगर इधर कोई बॉडी कैविटी नहीं बनती। जब बॉडी कैविटी नहीं बनती बल्कि वो जो बॉडी कैविटी वाली स्पेस है वो फिल हुई हुई है। अब ये देखें, इसमें जो है दूसरी तरह के स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, इनमें आपने पढ़ा था कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो है वो, ये जो एक्टोडर्म एंडोडर्म को जो है वो लाइनिंग नहीं करती। जब लाइनिंग नहीं करती तो ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बनती, और ना ये जो ऑर्गन है, ठीक है, इनको भी लाइन नहीं करती, तो इसको हम जो है स्यूडोडर्म कहते हैं। और ये देखें जी कि ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रही है, ये मीजोडर्म ऑर्गन को भी लाइन कर रही है और ये गट को भी, सेंट्रल कैविटी को भी, और ये जो सारी जगह बन रही है वो वाइट कलर की खाली जगह जो है, इसको हमने क्या कहा था कि ये जो है एक्चुअली सिलोम है और ट्रू सिलोम है, इसको ट्रू सिलोमेट या ट्रू सिलोमेट सिंपली जो नाम कहते हैं। तो इसके अंदर थ्री लेयर्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और उनके दरमियान जो है लेयर थे। दूसरा यह है कि इसके अंदर जो है ऑर्गन लेवल की फॉर्मेशन है, मगर जो है कॉम्प्लेक्स टाइप के नहीं है, ऑर्गन लेवल की जो फॉर्मेशन है इनके अंदर। आप पीछे जितने भी नाइडेरियन दम हम जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ के हैं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कह लें कि वो नहीं थी, वो जो ऑर्गन लेवल, बल्कि जो लास्ट हमने पढ़े थे उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी नाइडेरियन के अंदर, सिनिटोफोर के अंदर, मगर ये उससे थोड़ा सा एडवांस शक्ल है, एडवांस फॉर्म है एनिमल्स की। तो दूसरा यह है कि इसके अंदर जो है मैंने कहा कि रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम होता है, लैडर लाइक सिंपली जो है पहले के सिंपलेस्ट किस्म का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और बिगिनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम, के एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर पाया जाता है, और ऑस्मो रेगुलेशन को यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करने वाला जो प्रोसेस भी पाया जाता है। तो ये एक बिगिनिंग है, स्टार्ट है, यानी कि सिंपलेस्ट टाइप का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑस्मो रेगुलेटरी पाया जाता है। फाइलोजनी इसकी अनसर्टेन है, इसको कई सारे इसके मतलब हाइपोथेसिस हैं, आपकी बुक पढ़ें तो उसमें तीन हाइपोथेसिस हैं, मगर वो आपने हाइपोथेसिस लेक्चर के अंदर वो जो है नहीं करने। इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो ये 1 मिलीमीटर से लेके तो 24 मीटर तक भी ये कहता है, बाज़ का कह देते हैं, मगर मोस्टली केसेस में 25 मीटर तक आपकी बुक के अंदर जो है वो 25 मीटर तक है जी, कि ये 25 मीटर तक इनका जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो है सेलुलर मीजोडर्म पैरा के जो है वो पिछले हमने पढ़े थे नाइडेरियन के अंदर, तो नाइडेरियन के अंदर मीजोग्लिया था, जेलेटन लाइक, जेल नुमा लाइक वो मीजोग्लिया पाई जाती, मीजोग्लिया की लेयर थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली मीजोडर्म मल पैरेन्काइमा पाई जाती है, ये जो आपने ये पीछे देखे थे, ये जो पिंक कलर में नजर आ रही है ये क्या है, पैरेन्काइमा लेयर पाई जाती है। तो इसके अलावा जो है ये सेफलाइज नर्वस सिस्टम है, सेफलाइड का मतलब कि एक हेड है, हेड के अंदर जो है हेड गैंग्लियॉन पाया जाता है, और वो यूजली जो है लॉन्गिट्यूडिनल जो है नर्व कॉर्ड से जो है वो कनेक्टेड होता है। 1 सेकंड जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, आप जो हैं तो ये जो है इसके अंदर मैंने कहा कि वो
मिजोग्लिया की जगह वो आ गया, और जो है इसके अंदर सिंपलेस्ट टाइप का कह लें कि हेड गैंग्लियन, या इसको सिंपलेस्ट ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन के साथ कई सारे जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड जिनसे, वो आगे हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वो एक जो है एक किस्म का पूरा सिस्टम उसके अंदर बनता है। सेफलाइजेशन मीन वो उसके अंदर एक हेड डिवेल्प होता है, हेड के अंदर एक गैंग्लिया होता है, और उसके अंदर जो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन ओसीलाई पाई जाती है। ओसीलाई मीन जो सिंपलेस्ट आई कहते हैं हम, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है। इसकी आप हेड के ऊपर दो छोटी छोटी ओसीलाई देखेंगे जो कि करते हैं। इसके अलावा सेंस रिसेप्टर जो है, कीमो रिसेप्टर, स्टेटोसिस्ट और रिसेप्टर जो दूसरे जो हैं वाटर की मूवमेंट को सेंस करते हैं, इसको रियो रिसेप्टर कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो है वो फ्लेम सेल्स की वजह से होता है। ये एक फ्लेम सेल है, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और ये जो पूरा ऑर्गन है जिसके अंदर ये फ्लेम सेल पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो है वो सिंपलेस्ट टाइप के किडनी पाए जाते हैं। ये किडनी की किस्म बेसिक कह लें कि स्टार्टिंग किस्म है, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के आगे ऑर्गेनिज्म आएंगे फिर उनके अंदर वो किडनी और इस तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। तो ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जिस तरह हमारी किडनी काम नहीं करते, तो इसी तरह जो है वो ये प्रोटोनेफ्रिडिया ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, और उनके अंदर जो है वो नेफ्रिडिया के अंदर ही ये जो फ्लेम सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कि ब्लड की कोई सर्कुलेशन है, ना हवा की कोई जो है ऑक्सीजन की इनटेक, या वो ऐसी कोई नहीं है, बल्कि वो काम किसके थ्रू होता है, बॉडी वाल के थ्रू, कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली जो है बाई द प्रोसेस ऑफ डिवीजन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो वो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू वो निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है, वाटर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। ये मोस्टली जो है वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉन पैरासिटिक फॉर्म जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनकम्प्लीट गट होती है, कुछ के अंदर गट जो है वो कंप्लीट गट भी पाई जाती है, और ये जो पैरासिटिक स्पीशीज हैं ज़्यादातर ये कई तरह के, आगे हम चल के पढ़ेंगे कि ये मोस्टली जो है ये पैरासाइट हैं, ठीक है। तो ये जो हैं इनके अंदर थोड़ा सा इशू जो है। इसके अलावा इसकी मूवमेंट जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ओब्लीक लेयर ऑफ मसल, ये तीन तरह की लेयर हैं। एक सर्कुलर मसल पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाए जाते हैं, और ऑब्लीक मसल पाए जाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके मदद से के थ्रू जो है अनड्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं। अनड्यूलेशन मीन जो कंट्रैक्शन होती है उसकी स्किन की उसके तरह। इसके अलावा मूव अलॉन्ग स्लाइम ट्रेल, कि ये स्लाइम बनाता है अपनी बॉडी के थ्रू, और उसको स्टिक करने में किसी भी सब्सट्रेट के साथ हेल्प करती है वो जो स्लाइम लेयर है। इसके अलावा इसके जो वेंट्रल सरफेस के ऊपर काफ़ी सारे जो हैं वो सीलिया होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर हेयर होते हैं, उनकी मदद से भी ये मूव करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसको मदद में मूव करते हैं। दूसरा ये रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली भी। मोस्टली जो है मानोएशियस होते हैं। मानोएशियस का मतलब क्या है कि एक सेक्स ऑर्गन एक इंडिविजुअल में पाया जाएगा और दूसरा दूसरे में पाया जाएगा, तो आपस में फाइट करते हैं, और उनमें से बाज़ औक़ात वो है उसके लिए वो नीचे जो है वो एक ऑर्गन होता है इसी मकसद के लिए, तो वो उसके अंदर जो है जो के जो मेल होगा वो फीमेल के वो उस ऑर्गन के अंदर वो जो स्पर्म जो है वो इंसर्ट कर देगा, अल्टीमेटली उससे जो है वो जो है वो उसके जाइगोट डिवेलप हो जाएगा। और दूसरा ये कोशिश करते हैं कि ये इनमें से कुछ जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो हरमेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि दोनों ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, मगर वो तो अपनी कोशिश करते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बचा जा सके, वो है कि वो खुद ना कर सके। इसके अलावा जो है ये पैरासिटिक हैं और फ्री लिविंग दो तरह के हैं। इनमें से ट्यूबुलेरियन जो है जैसे ये फ्री लिविंग है, मगर और कई सारे ऐसे हैं कि जो पैरासिटिक हैं, जो इंसानों में जानवरों में कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं।
इसके अलावा इनका ऑलमोस्ट कोई इतना सीरियस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद है, मगर कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का या इन डिटेल इसके फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। ये देखें जी, ये बॉडी ये जो है इसका बॉडी प्लान कैसे होते हैं, बॉडी प्लान में क्या कि ये जिस तरीके से इस ऑर्गेनिज्म को हम ये देखें, पोस्टीरियर एंटीरियर डॉर्सल वेंट्रल और लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा जो है बॉडी प्लान ये मैंने बता दिया कि ये एक्टोडर्म है, इसके अंदर एंडोडर्म है, ये वाली और इन दोनों के दरमियान जो है वो वाली जो है लेयर को फिल किया हुआ है किसने, मीजोडर्म ने या पैरेन्काइमा ने। तो इसके अंदर जो है कोई सिलोम नहीं बनती, ये पहले हम बात कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ क्लासेज हैं, इसकी मुख्तलिफ क्लासेज हैं, उनमें से सबसे पहली क्लास है ट्यूबुलेरिया। तो ट्यूबुलेरिया जो है वो जो है फ्री लिविंग होते हैं और ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनकी राउंड बोर्ड आपकी बुक में पढ़े तो 3000 के राउंड बोर्ड स्पीशी मौजूद हैं। ये एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर इनके सीलिया होते हैं, सीलिया मीन के स्मॉलर हेयर जो हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा ये ज़्यादातर प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर फीड किस पे करते हैं कि जो जो है वो कह लें कि आप इसके जो स्केवेंजर्स हैं, स्केवेंजर मीन डेड चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं, या कार्निवोरस हैं कि छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट को पानी के अंदर जो है ये जैसे ये लिखा है कि ये कार्निवोर्स हैं और ये टिनी वाइब उसके ऊपर जो है वो फीड करते हैं, या जो है ये मैंने कहा कि स्केवेंजर हैं डेड एनिमल जो होते हैं जो पानी के अंदर उनके ऊपर फीड करते हैं। तो ये साइज में राउंड बोर्ड 0 से लेके 50 सेंटीमीटर तक होते हैं और इनके अंदर सिंपलेस और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि बहुत अच्छा किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इनके थ्रू क्या होता है कि वो इसकी आप अगर डिटेल पढ़ें कि ये किस तरह के हैं, तो ये मैंने कहा कि ये बॉटम डिवेलर है। बॉटम डिवेलर का मतलब ये है कि ये जो है जो पानी पे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में वहाँ पे उनके बॉटम में रहते हैं। बॉटम में कहाँ पे, स्टोन पे, सैंड पे, वेजिटेशन पे, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये ट्यूबुलेरियन, इसका नाम ही टर्बुलेंस से रखा है कि ये वो पानी को जो है गदला करते रहते हैं, जो लोअर उसके बॉटम पे ना पानी को जब ये मूव करते हैं तो उससे पानी जो है वो गदला हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये मैंने ज़्यादातर आपको इसका फूड का बता दिया, ये कार्निवोरस हैं या जो है ये स्केवेंजर है। स्केवेंजर डेड चीज़ों पे खाते हैं, कार्निवोरस जो है इनवर्टिब्रेट के ऊपर फीड करते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर जो है वो लेयर का मैंने पहले आपको बता दिया, एक्टोसाइट जो बाहर वाली एक्टोडर्म होती है उससे एपी जो जो लेयर बनती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और जो है या एपिडर्मस कहते हैं। तो एपिडर्मस जो है वो एक्चुअली एक्टोडर्म से बनती है, ठीक है, और ये एनवायरमेंट के साथ इन डायरेक्ट कंटेक्ट जो होते हैं, और इसी एपिडर्मस के अंदर जो है वो सीलिया भी पाई जाती हैं जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। अब वो सीलिया से नीचे देखें तो वो जो एक और लेयर होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की मिल के बनी होती है। ये एपिडर्मस को इससे नीचे जो पाई जाने वाली जो मीजोडर्म लेयर है उससे इसको जो है वो सेपरेट करती है। इसके अलावा इसमें मैंने कहा आपको पहले बता चुका पिछली स्लाइड में कि तीन तरह के मसल जो हैं वो सर्कुलर मसल, वो जो है इसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे इसके अलावा जो है ये इसके अंदर दो तीन टाइप के यानी कि मसल पाए जाते हैं, तीन टाइप के ये यहाँ पे बात हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर थ्री टाइप डिफरेंट टाइप के जो है वो मसल पाए जाते हैं, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक टाइप के मसल जो हैं। तो ये इसको एंडुलेशन में मूव में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा आप पढ़ चुके हैं ये जो पिछली लाइन के अंदर, कि ये पैरेन्काइमा एक्चुअली जो है ये लूजली ऑर्गेनाइज सेल होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल और गैस्ट्रोडर्म के दरमियान जो है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोडर्म क्या है, ये सबसे अंदर वाली लेयर, तो सबसे अंदर वाली लेयर को हम गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, और ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है और ये किससे मिलके बनती है, ये एंडोडर्म से बनती है, और इसके अंदर जो है वो सिंगल लेयर सेल होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती, सिंगल लेयर सेल होती है यानी कि सिंगल सेल पाए जाते हैं, ज़्यादा लेयर में नहीं पाए जाते। और ये डाइजेस्टिव कैपिटी को, गट को लाइन कर रही होती है,
मीन उसको गेयर रिएक्टिव होती है, और इसी जो है गैस्ट्रोडर्म के अंदर डिफरेंट जो है वो एंजाइम ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, और एंजाइम्स क्रिएट करने से क्या होता है कि वो फूड की डाइजेशन हो जाती है, और फाइनली जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ये जो गैस्ट्रोडर्म है ये फूड को अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर पूरे बॉडी में पहुंचाती है। इसके अलावा मैंने कहा कि इसके अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो ग्लैंडुलर सेल कहाँ पे होंगे, ये जो है एपिडर्मल लेयर के अंदर होंगे, ठीक है, इसके अंदर लेयर होते हैं, और उन ग्लैंड्स का काम क्या, डिफरेंट एंजाइम क्रिएट करना जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो फूड डाइजेशन होती है। इसके अलावा इसमें आगे देखें तो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, सेल्स वो डायग्राम जो है मैं आपको 1 मिनट दूसरी एक है उसको दिखाता हूँ स्लाइड से, कि वो डायग्राम जो है वो आपको नजर आ जाए इसमें। ये देखें जी, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको एक्टोडर्म ग्लैंड सेल ये सारा कुछ दिखाया है, तो अब आप गौर करें तो आपको ना ये नज़र आ जाएगी, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि गैस्ट्रोडर्म ये जो है एक्चुअली फ्रेंजियल लेयर होती है, ये बाहर वाली जो गैस्ट्रोडर्म से मिलकर बनी होती है। अब क्या है कि इसके अंदर कुछ और सेल्स भी होते हैं जैसे रबडीट सेल जो हैं, रबडाइट्स जो हैं वो सेल मौजूद हैं, तो ये क्या है, रॉड लाइक सेल है, ये देखें, इसके अलावा ये देखें, ये सारे रेबडाइट सेल हैं। तो ये रेबडाइट सेल जो हैं ये करते क्या हैं कि ये जो हैं स्वेल हो जाती हैं, स्वेल होते हैं, और स्वेल होके एक प्रोटेक्टिव म्यूकस जो शीट अराउंड द बॉडी जो है वो एक म्यूकस शीट बनाते हैं ये बाहर की तरफ जो है, और वो उससे बॉडी को एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेशन से और डिहाइड्रेशन से एक्चुअली प्रिजर्व करते हैं, और ये निचली साइड पे देख लें ये सीलिया जो है वेंट्रल साइड के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये इसी साइड के ऊपर जो है वो कई सारे जो है वो कह लें कि ग्लैंड होते हैं एडहेसिव ग्लैंड, और वो ग्लैंड का अगर काम करते हैं ये देखें जैसे ये ग्लैंड सेल है, और यही ग्लैंड सेल इसको जो है किसी भी चीज़ के साथ अटैच करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं वो उसको अटैच आउट करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। इसके अलावा रिलीजर ग्लैंड होते हैं, वो रिलीजर ग्लैंड क्या करते हैं कि वो अगर बाज़ औक़ात उन्हीं इसको इसको सेपरेट करना हो ना बॉडी को किसी सबस्ट्रेट के साथ से, तो वो सेपरेट करने के लिए वो रिलीजर ग्लैंड वो यूज होते हैं। अच्छा जी, ये अब मूव कैसे करता है, ये मैंने इसको पहले बता दिया कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इनका एक्टिव लाइफ स्टाइल है, तो ये ज्यादातर मैंने कहा ये बॉटम के ऊपर पाए जाते हैं और ये ग्लाइडिंग करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, आस्ता आस्ता जो है वो ग्लाइड करते हैं, ये होते दूसरे एक इसके अंदर पहले एक करेक्टरिस्टिक्स में आपको पहले वो आया ही नहीं है, वो ऐसे कि ये डोर्सो वेंट्रली जो है वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट का मतलब क्या है कि डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होंगे, यानी कि ऊपर सर वाली साइड भी जैसे ऐसे लगेगी जैसे दबी हुई है, निचली साइड भी ऐसे लगेगी जैसे वो दबी हुई है, वो आगे चल के आपको पिछली स्लाइडों में दिखाते हैं। तो ये एक तो मैंने कहा कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो ग्लाइड करते हैं, दूसरा ये जो है सीलिया का इस्तेमाल करते हैं, ये जो इनकी बॉडी पे ये सीलिया मौजूद है, और दूसरा अपने मसल्स का इस्तेमाल करके तो ये आस्ता आस्ता जो है जैसे ग्लाइड नहीं कर रहे थे आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, तो ये ग्लाइडिंग एक्चुअली इसी की वजह से होती है। दूसरा ये है कि ये जो है म्यूकस की कह लें कि एक शीट है वो स्प्रेड कर लेते हैं और वो म्यूकस ही उन्हें हेल्प आउट करता है कि किसी चीज़ के साथ वो अटैच आउट करने में। इसके अलावा जो है ये जो है इनके अंदर मैंने कहा ये कि डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल साइटस होती है, और ये सीलिया जो है वो एक्चुअली मूव करते रहते हैं आपस में पानी के अंदर, तो जो उसको मूवमेंट में हेल्प आउट भी करते हैं, तो ये इसके अंदर एक किस्म की कह लें कि अडेप्टेशन है तो जिससे ये पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो ट्यूबुलेरिया की अगर बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये देखें आपको नज़र आ रही है पिक्चर के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है,
मगर जो इनके अंदर एक डाइजेस्टिव कह लें कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये एक डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाती है, जिसका स्टार्ट जो है वो ये माउथ से शुरू होता है, फिर आगे ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स से आगे ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर जो है वो कैविटी है। ये बाज अवकात कुछ ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी सिंपल होती है, कुछ में ये हाईली ब्रांच होती है, जैसे ये देखिए इससे आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है, और कुछ में आगे फिर ये दो पार्ट में बन जाती है, फिर उसके आगे ब्रांचेस निकलती हैं, इसको हम जो है वो कई सारे नाम देते हैं, तो ये ब्रांच भी हो जाती है बाज अवकात। तो ये जो है बाज अवकात मैंने कहा कि इसके अंदर जो है वो ये मुख्तलिफ सिस्टम पाए जाते हैं, कुछ में ये ब्रांचेस कम है, ब्रांच है ही नहीं, सिंपल है, कुछ में ये ब्रांचेस हैं, मोस्टली में ये ब्रांचेस पाई जाती हैं। और दूसरा जो है गैस्ट्रोडर्म का मैंने कहा कि क्लोज कंटेक्ट होता है इसके साथ, ये जो गट के साथ, और वो इसके इसी के थ्रू जो है एंजाइम इस गट के अंदर आते हैं, और इसी से फिर फूड, वो फूड जो है वो गैस्ट्रोडर्म जो है वो फूड इसी गट से अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी को जो है वो पहुंचाती है। इसके अलावा इसका फूड क्या है, फूड मैंने आपको बता दिया कि ये फूड खाता क्या है, ये फूड मैंने कहा मोस्टली कार्निवोरस है, कि ये मुख्तलिफ जो है इनवर्टिब्रेट्स को जो पानी में पाए जाते हैं वो खाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें से स्कैवेंजर्स भी हैं जो कि डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कोई फिश मर गई, कोई मछली मर गई, या कोई और चीज़ जो है उसके ऊपर खाते हैं। कुछ जो है वो एल्गी भी खाते हैं, एल्गी मीन जो एल्गी पत्थरों के ऊपर लगी होती है, स्टोन के ऊपर, तो उसको स्क्रैच कर करके भी उसको भी फीड करते हैं। इसके अलावा इंजेशन ऑफ फूड क्या है, इंजेशन जो है कि ये जो है सिंपली इसके अंदर मैंने कहा कि इसका जो है वो फूड है क्या करता है, इसकी जो फ्रेंजियल कैविटी है जिसके अंदर ये डिफरेंट एंजाइम वगैरह या ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ से एंजाइम क्रिएट करते हैं, तो एंजाइम क्रिएट आउट हो गए ये चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ को फीड कर रहा है तो उसके ऊपर क्रिएट आउट करते हैं। क्रिएट आउट करने से क्या होता है कि उसको पार्शली तौर पे एक्स्ट्रा सेलुलरली उसको कह लें कि स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, जब वो पीस उसके छोटे पीस बन जाते हैं उस चीज़ के जो भी या इनवर्टिब्रेट के ऊपर फीड कर रहे हैं, जब उसके स्मॉलर पीस बन जाते हैं तो फिर उनको वो इस ट्यूब के थ्रू और ये फेरिंग्स के थ्रू जो है वो आगे कह लें कि वो इंजेस्ट कर लेते हैं, जब इंजेस्ट करके उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो आगे वो डिफरेंट जो सेल्स हैं उसको बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, यानी कि फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो सेल के अंदर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल जो है वो पहुंच जाता है, यानी कि जो पहले तो यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट हुआ एक्सटर्नल साइड के ऊपर, फिर इस ट्यूब के थ्रू माउथ के थ्रू अंदर गया, अंदर में जाने के बाद जो जो सेल्स हैं जिन सेल ने इसको वो कह लें कि डाइजेस्ट करना है, वो फैगोसाइटोटिक फैगोसाइटिक सेल जो है वो उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं फूड वैक्यूल को, और उनके अंदर फूड वैक्यूल में बन जाते हैं, और उससे फिर वो आगे जो है वो एनर्जी लेते हैं। अब क्या जैसे ही फूड है इंटर सेलुलरली मैंने कहा कि फूड वैक्यूल डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो फिर वो फूड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट कराई जाती है बाय विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोडर्म। तो ये इसकी जो है यहाँ तक आज आप देख लें यहाँ तक इसका रखा है, ये जो है ये देख लें, ये जो है एक्चुअली माउथ जो है तय इसके अंदर जो है एक उसको कह लें कि फ्रेंजियल चैम्बर पाया जाता है, उस चैम्बर के अंदर ये इसका जो फेरिंग्स पाया जाता है, मगर जब कभी इसने फूड करना होता है, फूड खाना होता है, तो ये माउथ और फेरिंग्स ये ट्यूब जो है ये बाहर आ जाती है, ठीक है, बाहर आने से क्या होता है कि फिर ये अपनी जो फीडिंग कर सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर, ये हमने पीछे भी पढ़ा, तो ये इसके अंदर जो है हमने पढ़ा कि ये एक सेफलाइजेशन या हेड फॉर्मेशन पाई जाती है, जबकि पिछलों के अंदर ये नहीं पाई जाती थी इसके अंदर भी। इसके अलावा ये इसका सिंपलेस्ट सा ब्रेन होता है, ये जो येलो कलर में है, ये यहाँ पे दो गैंग्लिया पाई जाती हैं और बाकी जो है ये नर्व पाई जाती हैं इसके अंदर, तो ये गैंग्लिया एक्चुअली इसका सिंपलेस्ट जो है वो ब्रेन है, रूडिमेंट्री ब्रेन है। तो यहाँ तक आज आप पढ़ लें, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है वो आप कर लें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। जी शाबाश, एक सेकंड इसको मैं क्लोज कर तो